हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 2 तारीख है, 2 फरवरी, और कल मार्केट ने क्लोजिंग ले लिया अपना। जो भी क्लोजिंग दिखाना था दिखा दिया। बैंक निफ्टी पे आपको, अगर किसी ने मेरे वीडियो को देखा होगा और पोजीशन बनाया होगा, तो मैंने जो टारगेट आपको दिया था लगभग वो टच हुआ था। मैंने बोला था कि 500 के ऊपर नहीं जा सकता है, ऐसा है, और अगर जाएगा तो फिर अच्छा खासा 700 के आसपास जाएगा, तो वो गया नहीं। जाकर के कोई भी आप ये बैंक निफ्टी के वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो जिसमें बैंक अपडेट किया था मैंने, बैंक निफ्टी का, तो आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं। और नए इंटरेस्ट है तो कोई बात ही नहीं है। अब यस बैंक में क्या हो रहा है? यस बैंक में तो अच्छा खासा ये 245 तक गया, उसके बाद फिर से ये नीचे आ रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा खराबी आ गया इसमें? आ गया तो कहाँ निकल जाना चाहिए, जो पोजीशन बनाया कि रखना चाहिए? बहुत सारी क्यूरी है। जो लोग इसमें पोजीशन बना कर रखे उनको होल्ड करना है, और ये जब नीचे जाए हर 25 रुपये के डाउन पे आपको एवरेज करना है 10%। मतलब कि अगर आप सपोज डेट 185 पे ये है, वो मैंने 200 पे बाई किया है, तो 175 पे जब जाता है तो आपका 20 रुपये का डिफरेंस 25 रुपये का हो गया। अब आपने जितना बाई किया है उसका 20% बाय कर लेना। 100 शेयर बाय किया था तो आपको वापस 20 शेयर यानी 25% भी कर सकते हैं, 25 कर लीजिए, क्योंकि नीचे अब फॉल बहुत ज्यादा नहीं है। ये बहुत से बहुत 125 दिखाएगा, इसे नीचे तो जाना नहीं है। पहले तो ये जो लो 146 75 का 29/11 को बनाया था, 29 नवंबर को, पहले तो इसको बीच कर लीजिए। हो सकता है 1 मार्च को ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे। अभी 1 फरवरी का न्यूज है, सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट प्रलय मंडल रिजाइन्स फ्रॉम बैंक्स, और उनके जगह अजय कुमार जी को इंटरिम एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। ये सब अभी बहुत सारी घटना होंगी जब ज्वाइन होगा। हो सकता है उसके बाद और कोई एक न्यूज बीच में आ जाए कि उन्होंने ऐसा लोन बांटा था, वैसा लोन बांटा था, इतना एनपीए हो जाएगा, सब चीज प्रोबेबिलिटी है। और वहां पे ये इसको भी ब्रीच करने का कैपेसिटी रख सकता है। हो सकता है लास्ट 125 दिखा, इससे नीचे नहीं जा सकता ये। तो अब ये क्या डीएचएफएल बन गया? नहीं, ये डीएचएफएल अभी नहीं बना है, अभी इसमें बाकी है, और आपको इसमें पोजीशन बना के होल्ड करना चाहिए। जो कि अगर मैं इसको एक चीज देखिए, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी नीचे जाएगा, जब ये नॉर्मल चलता है तो 1.5 से 2 लाख का ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन अभी रिसेंटली देखेंगे तो ये 12 लाख 12 करोड़, सॉरी 2 करोड़ का होता है। तो अभी देखिए 25 जनवरी को 12 करोड़, 25 जनवरी को 18 करोड़, 28 को 5 करोड़, 29 को 7 करोड़, 30 को 6 करोड़। तो अब ये वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस फॉल हो रहा है। 203, जब 7 करोड़ का ट्रांजेक्शन आया तो 203 आया, वापस 7 करोड़ का किया 195, फिर 7 करोड़ का किया 190। मीन्स डिलीवरी बेस्ड सेलिंग कर रहे हैं, वॉल्यूम के साथ इसको सेल किया जा रहा है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्योंकि प्राइस फॉल नीचे की ओर हो रही है, तो ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि आप ये नीचे की ओर जा रहा है। आप ये लास्ट 7 डेज का डाटा देखिएगा तो आपको देखिए 28 तारीख से लेके 5 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़ टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, और जो कल की क्लोजिंग है 1 फरवरी की, वो 6 करोड़ 65 लाख 97 हजार का। नंबर ऑफ ट्रेडर है जो है वो 4 लाख 11 हजार है। डिलीवरी क्वांटिटी कितनी है? 1 करोड़ 74 लाख, 26% की डिलीवरी है। तो लोग डिलीवरी पे भी उठा रहे हैं और साथ में वॉल्यूम के साथ इसको ट्रेडर सेल कर रहे हैं। तो और जो कैंडल बन रहा है, एक बार आप जो कैंडल देखिएगा, एक चीज देखिए, ये एक पैटर्न था यहां से 245 वाला, तो ये इस पैटर्न पे यहां से यहीं से लगभग इस पीरियड से कर रहे, कंटिन्यू चल ही रहा है। तो अब ये या तो ऊपर निकलता है या तो नीचे निकलता है। तो अब ऊपर की स्ट्रेंथ तो दिखी नहीं अपने को, ऊपर तो निकला नहीं, इसको तोड़ के 245 के ऊपर निकला नहीं, तो ये बहुत दिन से यहां पे खड़ा है। तो इस बार जो चांस दिख रहा है, एक बार इसको तोड़ के नीचे आएगा। और ये जो 29/11 को इसने बनाया था 146 का लो, हो सकता है इसके लो को तोड़ेगा, और तोड़ के एक जो सपोर्ट है इसका, आप यहां पे देखेंगे 125 पे एक सपोर्ट दिखता है इस लेवल पे, यहां पे ये देखिए 125.95। अगर मैं हॉरिजेंटल बार से इसको हॉरिजेंटल से दिखाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे एक बार आके इस लाइन पे हो सकता है ये यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। करेगा नहीं, ये श्योरिटी है कि करेगा।
इससे नीचे फॉल मुझे नहीं लग रहा है कि इसको जाना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे क्या है, बहुत ज़्यादा ही नीचे हो जाता है, तो वहाँ पे नहीं जाएगा। और इनफैक्ट पहले तो 146, तो अब इसकी सिक्योरिटी दिख रही है कि एक बार 146 ये टच कर सकता है, 145-156 कर सकता है। तो पहली बाइंग आपको जो करनी चाहिए 170 के आसपास करनी चाहिए, फिर 150 के आसपास करनी चाहिए, और अगर उसके बाद वहां से 124 जाता है तो वहां पे करनी चाहिए। ये तीन लेवल पे आप चाहें तो इस पे बाइंग कर सकते हैं। तो यस बैंक पे अभी 75% का सेंटीमेंट बता रहा है। आप देखेंगे फ्राइडे को तो 150 ओपन होता है, ये 195 पे क्लोज होता है आपका, 185 पे, और जो लो बनाता है 181 लो की ओर क्लोज होता है। और अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी मैं आपको दिखाऊं तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज 179-185 है, मतलब ये नीचे जाएगा ही जाएगा, 4-4 रुपये का डिफरेंस है। तो एक बार ये नीचे की ओर आपको दिखा सकता है। और अगर डेरिवेटिव पे भी मैं देखने की कोशिश करूँ तो आप देखिए 150 तक का, 150 पे भी 500,000 की बाइंग हो रही है। सारे पुट की ओर देखिए वैल्यू बढ़ रहा है और कॉल की ओर डाउन हो रहा है। मींस इससे ये पता चल रहा है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे हो रहा है। अगर एट द मनी देखिए 28 फरवरी का 185 का तो 98,000 का। अब देखिए पुट की ओर देखिए वॉल्यूम देखिए 3,71,000, 6,45,000, 5,32,000, 4,84,000, 1,73,000। कॉल की ओर वॉल्यूम देखिए 200 पे 15,00,000 का, मतलब 200 पे तो क्रॉस करना मुश्किल है इसको भी, और उसके 200 छोड़िए 190 को क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाएगा। 9,22,000 से इसको शॉर्ट किया गया है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रांग शॉर्ट दिख रहा है और इधर स्ट्रांग बाइंग दिख रही है। और जो वॉल्यूम अभी दिख रहा है वो लग रहा है सबसे ज़्यादा तो 170 पे है। 170 के बाद अगर ये नीचे जाता है तो आपको फिर यहाँ पे 160 दिखेगा, और 160 के बाद 150 है, और 150 के बाद यहाँ पे 140 पे भी पोजीशन बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे पोजीशन बन रहा है चाहे तब वैसे ही आप इस लेवल पे बाई कर सकते हैं, अपने 25-25% की क्वांटिटी को या 20-20% क्वांटिटी को एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी यस बैंक पे एक, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये निगेटिव हो गया। वापस ये जब जाएगा ऊपर तो 230-245-300-350 के लेवल को टच करने में इसको समय नहीं लगेगा, और सिर्फ इसको 6 महीने का टाइम चाहिए, 6 महीने से 9 महीने में ये आपको वहाँ तक 300 तक पहुँचा के दिखा देगा। तो आप समझिए अगर आप 125 पे बाय करते हो 300 जा रहा तो क्या परसेंटेज रिटर्न है आपका। मेरे अंदाज से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसमें घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। ये नीचे जा रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बाकी ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो है, ये मेरा डिस्क्लेमर है, मैं किसी को डायरेक्ट बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी है नॉलेज मतलब शेयर करने के लिए, कैसे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे पोजीशन बनाने से फायदा हो सकता है। बट ये मेरा ओपिनियन है, सिर्फ ओपिनियन है, हो सकता है मेरे ओपिनियन के अपोजिट मार्केट चला जाए। तो मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बनाना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही मार्केट में कोई पोजीशन बनाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।